हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7. एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अरुण बावटा का ₹4,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। इतने रुपीज की उसने कार खरीदी और अगले साल प्राइस कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है? इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ कार इंक्रीज। प्राइस ऑफ कार इंक्रीज, कितना प्राइस कार का इंक्रीज हुआ है कैसे पता लगेगा हमें? माइनस करेंगे हम 370,000 में से 350,000। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ₹20,000। इसका मतलब कार का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है? ₹20,000। इसके बाद हमें निकालनी क्या थी? इंक्रीज परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जब फॉर्मूलाज बताए थे तब बताया था कि इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में लगाना है। तो ऊपर कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है वो नीचे लिखेंगे प्राइस ऑफ कार जो पहले था और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 के साथ, ठीक है। तो इंक्रीज स्टूडेंट्स ये कितना हुआ है? 20,000 इंक्रीज हुआ है। 20,000 इंक्रीज हुआ है। कार का प्राइस कितना है? 3,50,000। 3,50,000 मल्टीप्लाई करना है इसे 100 के साथ। देखिए ये तीन जीरो यहाँ से कट कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये जीरो कट गई। नेक्स्ट हम इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स किसके टेबल पे? 5 के टेबल पे। ये जाएगा 7 पर और 100 जाएगा 5 के टेबल पे 20 पे। उसके बाद क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 × 2 = 40 अपॉन 7%। आप चाहे तो इस परसेंटेज को आगे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी है। देखिए 7 × 5 = 35, 5 रिमाइंडर बचेगा तो उसका बनेगा 50। उसके बाद 7 के टेबल पे 50 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 49 7 पे। तो इसका मतलब ये सम अप करके क्या बनेगा? 5.7%। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर 5 क्या है? आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। 10,000 का क्या है? टीवी खरीदा गया, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है कितनी है वो ₹10,000। एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पे उन्होंने वो सेल कर दिया? प्रॉफिट 20% पे। देन हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? हमें ये बताना है कि उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे, मतलब हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर की थी फॉर्मूलाज की जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, होप आपने वहां से चेक कर लिए होंगे। ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का। तो अभी हमें कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 + 20 / 100। आपको स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि आप इसकी यहाँ पे सीधा कटिंग नहीं कर सकते, कटिंग करने से पहले आपको इन्हें प्लस करना होगा, ठीक है। तो 100 + 20 = 120 / 100। देखिए ये जीरो काट दीजिए और इसको भी बाद में 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12,000। इसका मतलब ये है कि उस टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होगा? ₹12,000। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। सेल की यह मशीन बेची है, इसका मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 13,500। She loses 20% in the bargain. अभी वहां पे उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है? 20% का, ठीक है। Then what was the price which she bought for it? हमें ये बताना है कि उसने उस मशीन को कितने रुपीज में खरीदा होगा। तो अभी स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में ये डिफरेंस होते हैं। जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो ये चीज ऊपर आती है, जो हम प्लस करते हैं ना प्रॉफिट या लॉस परसेंट, वो ऊपर आता है और कॉस्ट प्राइस में वो नीचे आता है, ठीक है। तो अभी हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना है? 20%। तो माइनस करेंगे यहाँ पे 20 1,350 × 100 / 80, ठीक है। अभी देखिए जीरो के साथ जीरो कट गया,
टू के टेबल पे ऊपर वाला नंबर जाएगा फाइव पर, ये फोर पर, फोर के टेबल पे ये सारा नंबर जाएगा थ्री थ्री सेवन फाइव। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री थ्री सेवन फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है, थ्री थ्री सेवन फाइव को फाइव के साथ मल्टीप्लाई, फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव कैरी टू, थर्टी फाइव एंड टू थर्टी सेवन कैरी थ्री, फिफ्टीन एंड थ्री एटीन कैरी वन, और यहाँ पे फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन, तो कितने रुपीज़ आ गया, सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव। इसका मतलब ये है कि जो वो वॉशिंग मशीन है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ टेन रेशो थ्री रेशो ट्वेल्व। इसके जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है ना कि इसकी रेशो कैसे सॉल्व करते हैं, हम सीख चुके हैं पहले। अब इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, हमें चॉक में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले नंबर में कैल्शियम लिखा है, सेकेंड नंबर में कार्बन लिखा है ना उसने, इसका मतलब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये सेकेंड वाला पार्ट कार्बन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बन उसमें कितनी होगी हमें कैसे पता लगेगा, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री, इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, इन सब के प्लस के साथ, टेन एंड टेन ट्वेंटी एंड फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू हंड्रेड, ठीक है। ट्वेंटी फाइव के टेबल पे, हंड्रेड के आप फोर पे, एंड थ्री फोर जा ट्वेल्व, इसका मतलब कि इस चॉक में कार्बन की कितनी मात्रा है, ट्वेल्व परसेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका पार्ट टू क्या है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज थ्री ग्राम और थ्री ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक। अभी उस स्टिक में जो कार्बन है वो थ्री ग्राम है, वैसे ट्वेल्व परसेंटेज में ट्वेल्व परसेंट है और वैसे थ्री ग्राम है, तो हमें टोटल वेट निकालना है कि चॉक स्टिक का टोटल वेट कितना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट वेट ऑफ चॉक, लेट वेट ऑफ चॉक इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया उसको, एक्स मान लिया। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स, ट्वेल्व परसेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, थ्री ग्राम के, ठीक है। टोटल का 12% करेंगे तो क्या निकल जाएगी, कार्बन का निकल जाएगा, वो किसके इक्वल है, 3% के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12/100 इनटू x इज इक्वल टू किसके, 3 ग्राम के। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 × 100/12, 3 के टेबल पे 12 जाएगा 4 पे, एंड 4 के टेबल पे 100 जाएगा 25 पे। तो इसका मतलब कि उस चॉक का वेट कितना हो गया, 25 ग्राम। चलिए स्टूडेंट्स अभी इसके बाद चढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर एट पे। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, अमीना बायज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, ठीक है। बाय किया मतलब खरीदी है उसने बुक, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, ₹275, एंड बेच दी उसने कितने लॉस पे, 15% के लॉस पे। तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 275 इनटू 100 माइनस लॉस कितना हुआ है, 15% का अपॉन 100, ठीक है। तो 275 इनटू 100 माइनस 15 इज 85 अपॉन 100, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, या तो कटिंग्स करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाद में टू डिजिट छोटे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 275 को 85 के साथ, 55 जो 25 कैरी टू, 35 एंड टू 37 कैरी थ्री, 10 एंड थ्री 30, बाद में 8 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 85 जो 40 जीरो कैरी फोर, 87 जो 56, 56 एंड फोर 60 जीरो कैरी सिक्स, उसके बाद 8 × 16, 16 एंड 6 22, 57332 कितना आ गया, 23375 अपॉन 100। तो टू डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसने वो जो उसके पास बुक थी वो कितने रुपीज़ में सेल की है, 233.75 रुपीज़ में। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।